मैं क्या सोच रही हूँ कि ज्योति को फोन कर देती हूँ। उसके सासरे वालों की तरफ से कोई ना कोई तो नई ध्याता होगी, वो भी नहीं कर लेगी कलश पूजा, क्योंकि बुलबुल तो इस हालत में कलश पूजा नहीं कर सकती ना। नहीं मैं कर लूंगी मासा, नहीं आप मना मत करिए, वैसे भी मेहंदी में इतना तमाशा हो गया था, मैं कर लूंगी। कैसे करोगी तुम पूजा, देखो देखो कितनी सूजन है, और वैसे भी अभी बोलूंगी ना तो वो कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेगी। अगर ऐन वो लंगड़ी वाली लाएंगे। बोले मासा जरा सी मोच है, कल तक ठीक हो जाएगी, ऐसी छोटे तो मुझे लगती रहती है ना थानेदार साहब, आपको तो पता ही है, चोट वाले पैर से लंगड़ी ना खेल के दिखा दिए तुम्हारा नाम भी बुलबुल। हाँ, उसके बाद है ना ये। उसके बाद लेकिन बुलबुल तुम और उसके बाद, अरे मैं कल के लिए, हाँ रसम के लिए। और क्या कब कहाँ से बोलूं, मुझे भी नहीं समझा। सीधा मैम की लाइन खत्म हुई। ओके, और मैंने बोला चारा भी तो नहीं है। मासा छोटी मोटी चोट, मासा छोटी मोटी मोच है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी ऐसी छोटी मोटी चोट मारे को लगते रहती है, अगर इसी लंगड़ी पैर के साथ मैंने लंगड़ी ना खेली ना तो मारा नाम भी बदल दीजिए, ये हमारा नाम बदल दीजिएगा ये बोला। उतने में वीर साहब ने बोला लेकिन बुलबुल, उतने में बोला मैं क्या सोच रही थी कि ज्योति को फोन कर देती हूँ, उसे कहूँगी कि उसके सासी की तरफ से अगर कोई नई नवेली ब्याहता होगी ना तो वो कर देगी कलश पूजन। बुलबुल तो इस हालत में कलश पूजन नहीं कर पाएगी। नहीं मासा आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए, मैं पक्का मैं कर लूंगी, और वैसे कैसे कर लूंगी मासा, मेहंदी में भी इतना तमाशा हो। मैं सेक कर देती हूँ इससे। नहीं नहीं मासा आप रहने दीजिए, आप ऐसे मेरे पैर को हाथ लगाएंगे तो तुम्हारे कोई पाप टूट जाएगा। हाँ मामा मैं ठीक है, भी तू ही करती सी आप भी खड़े।